केंद्रीय कपड़ा मंत्री व भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अमेठी में आयोजित एक चुनावी सभा में कांग्रेस के कथित गुंडों पर धमकाने के आरोप लगाते हुए कहा कि मैं इस क्षेत्र के गुंडे से कहना चाहती हूं, दीदी ये चूड़ियां सिर्फ सुहाग की निशानी के लिए पहनती हैं। जिसने भी धमकी दी है उस तक मेरी आवाज निश्चित पहुँच जाएगी। मैं उनको बतलाना चाहूंगी कि इस राज्य में योगी की सरकार चल रही है, गुंडई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्मृति का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोरांव गांव में चुनावी सभा का मामला। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के सोरांव गांव में आयोजित चुनावी सभा में स्मृति ने कहा कि जिस किसी नागरिक को धमकी मिलती है तो मेरा उनसे आग्रह है कि वे तुरंत भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी को बताएं, ताकि हम आपके साथ पुलिस के पास जाएं और आपको इंसाफ दिलाएं। स्मृति ने कहा है कि यहां अगर कांग्रेस का पक्ष नहीं लगा तो यहां कांग्रेस का नेता गरीब का शौचालय नहीं बनवा के देगा। अगर कांग्रेस का साथ न दो तो कांग्रेस का नेता गरीब को धमकाएगा। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से कहना चाहती हूं जो गरीब जनता को धमकाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे शेर की पार्टी है जिसने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन पर हमला किया है। स्मृति ने कहा कि आज आपके मध्य में कहने आई हूं कांग्रेस पार्टी से कितना प्रताड़ित हो सकता है ये क्षेत्र, आप भली भांति इस बात को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के गुंडे किस प्रकार से धमकाते हैं ये आपकी अपनी आप बीती है और मैं वचन देती हूं कि 6 तारीख को अमेठी की जनता ने तय कर लिया है कि वे कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा का सांसद बनाएंगे। और वचन है मेरा इसी गांव में मैं लौटूंगी 23 मई के बाद।